गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और वो देखो पीछे वाली लाइट मेरी कितनी प्यारी लग रही है, इससे ना रूम एकदम से बड़ा अच्छा अच्छा सा रहता है। तो सब लोग सो के उठ गए हैं। आज बारिश है, मौसम बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हो रहा है। मुकेश है नहीं यहाँ पे, वो मुंबई गए हुए हैं और मैं बस उठी हूँ अभी। तो सुबह सुबह बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना गले से एकदम आवाज़ भी नहीं निकल रही है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गले की वजह से। तो आज मैं ना बच्चे, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह मैं सो रहे हैं बोल रही हूँ बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह घी बना लूँ। आज कई दिन हो गए, बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो घी नहीं बना पाई। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो सारे में यहाँ ग्रीन ग्रीन है ना, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे देखना। तो मैं बच्चे आज स्कूल चले, मतलब रोज़ क्या बोल रही हूँ यार, मैं मुझे नहीं समझ आ रहा आज मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ बच्चे स्कूल गए हैं, तो मैंने सोचा घी बना लूँ। तो मैंने ना लास्ट टाइम काफ़ी टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि घी मैं ब्लेंडर से बनाया था। तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि अगर ब्लेंडर ना हो तो घी कैसे बनाएं। तो मैंने जो अभी तक प्रोसेस देखा था वो हाथ से, जो हमारे यहाँ रई बोलते हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, उससे घी बनाते थे। तो उसमें फिर मतलब वही होता था कि दही जमाओ, देन उसमें बहुत सारा पानी ऐड करो और उसके बाद फिर आप उसको चलाओ अच्छे से और वो घी और लस्सी निकलते थे। बट जो इस तरह से मैं बनाती हूँ उसमें प्योर दूध निकलता है और उसमें पानी नहीं होता है, तो थिकनेस ज़्यादा होती है, तो उसको हम हाथ वाली रई से नहीं चला सकते, बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। तो अभी मैं जैसे हाथ से बना के आपको दिखाऊंगी कि हम उसको हाथ से कैसे बना सकते हैं अगर इनके पास ब्लेंडर नहीं है, और रई तो उसमें हम चला ही नहीं सकते हैं। मथनी भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, मथनी तो ना, और अगर रई भी नहीं है, रई से तो चला नहीं सकते हैं, और ब्लेंडर आपके पास है नहीं या मिक्सी नहीं है, आप मिक्सी में भी चला सकते हो बट मिक्सी में क्वांटिटी इतनी नहीं चल सकती। तो बस मैं हाथ से बना के चलो आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह, यही आज काम कर लेते हैं, मेरा घी भी बन जाएगा और व्लॉग भी शूट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं अपना घी सुबह सुबह। तो सबसे पहले ना मैंने ये मलाई ले ली है और ये मेरी लगभग 8 दिन की मलाई है। तो अभी मैं ना बस इसको ऐसे ऐसे करूँगी अंदर हाथ, मतलब जब मैं अंदर हाथ डालूंगी तो मुझे ये करना है अंदर हाथ ऐसे, और मैं ये जल्दी जल्दी करूंगी, इसको करते रहना है जब तक ये हो ना जाए, इसको कंटिन्यू करना है हमको कि जितनी जल्दी हम इसको करेंगे, मतलब जितनी तेजी से हम इसको करेंगे ये उतनी जल्दी होगा। तो फटाफट हम इसको ऐसे ही करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लगभग हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हाँ, जिनके पास ब्लेंडर नहीं है उनके लिए आसान है इस तरह से घी बनाना। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और बीच बीच में आपको दिखाऊंगी। तो अभी ना देखिए ये कुछ कुछ आने लगा है, जो बनाते हैं उनको आइडिया होगा, इसकी कंसिस्टेंसी से पता लग रहा होगा कि ये कुछ कुछ आने लगा है। तो हम इसको अभी थोड़ी देर और चलाएंगे, बस ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे करना है, फटके टाइप के मारने हैं ताकि ये आराम से जल्दी आए। तो बस ये मुश्किल से इसको आने में 3 से 4 मिनट लगेंगी, इसमें थोड़ी मेहनत है लेकिन अच्छे से घी भी निकल जाता है, और जिनके पास ब्लेंडर नहीं है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि ऐसे घी निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे करते करते हमारा ये घी आ गया है बिल्कुल। अब ये देखो आप देख सकते हो पानी इसका अलग हो गया है और घी अलग है। अब इसको थोड़ी देर और चलाएंगे तो इसकी ना गांठें भी बनने लगेंगी, थोड़ा सा और है बस 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, कि वैसे तो ये अलग हो गया है लेकिन घी अभी हमारा इकट्ठा नहीं हुआ है, तो हम ऐसे ऐसे ही करते रहेंगे तो घी भी हमारा इकट्ठा हो जाएगा। इसको तब तक करना है जब तक हमारा घी बिल्कुल लड्डू की तरह हमारे हाथ में ना जाए। घी ना ऐसे ऐसे आने लगेगा, तो घी अलग हो जाएगा और दूध अलग रह जाएगा। ये देखिए बिल्कुल जैसे कपड़ा निचोड़ता है ना, वैसे करके हम इसको निचोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हमारा फ्रेश बटर है। बस इसको हो गया है, ये देखो हमारा दूध और पानी, ये दूध और घी मक्खन अलग हो गया है। अब हम इसको ऐसे इकट्ठा करके, और ये दूध है ना अलग बर्तन में ले लेंगे। एक्चुअली मुझे घी इसी में बनाना है तो मैं दूध अलग करूंगी, अगर आपको घी किसी और बर्तन में बनाना है तो आप ये बटर ऐसे ऐसे स्क्वीज करके और उठा सकते हैं, बट मुझे दूध, क्योंकि इसी में घी बनाना है तो मैं दूध सेपरेट करूंगी।
देखिए अब बिल्कुल हमारा बटर ये अलग हो गया है और दूध मैंने अलग निकाल के रख लिया है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी और सेम गैस पे इसको पकने दूंगी। तो पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। कान्हा जी के लिए दलिया, उनको आज दलिये का भोग लगाऊंगी सुबह नाश्ते में। बच्चे ना वो बेसन का ऑमलेट मांग रहे थे तो उसमें अनियन जाएगा तो वो खाएंगे नहीं, तो मैंने इनके लिए दलिया बना दिया है अपने कान्हू के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। और इधर मेरा घी बनने लगा, ये घी भी हो जाएगा, हो जाएंगे फिर मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। घी बनाना वैसे इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी आलस आता है, लगता है कि हाँ बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे, वो वाली चीज़ रहती है। तो बस अभी घी मेरा धीरे धीरे पक जाएगा। इसमें पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि घी मैं कैसे पकाती हूँ, सेम गैस पे धीरे धीरे चलाते रहिए इसको और ये बन जाएगा तेज गैस। अगर हम इसको तेज गैस पे बनाते हैं ना तो फिर निकलने का डर रहता है। और मेरा घी इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि थोड़ी तबीयत, आपको शायद मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, बच्चों की भी ठीक नहीं है, तो दो तीन दिन में थोड़ा लेट हो गई हूँ। बट कोई बात नहीं, बन जाएगा। और इसका जो बचा हुआ दूध है उसका मैं पनीर बनाऊँगी, वो रॉक्सी खा लेगी क्योंकि रॉक्सी आजकल पनीर ज़्यादा पसंद कर रही है, खाना पीना उसने बिल्कुल बंद किया हुआ है। ब्रेड खाती है, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड तो छूती भी नहीं है, और पनीर खा रही है, तो बस मैं आजकल उसको वही दे रही हूँ। तो चलिए हम बना लेते हैं अपना घी। और हमारा इधर भोग भी तैयार हो गया है मेरे कान्हू का, ये निकल गया थोड़ा सा, एकदम से प्रेशर से आया था ना उबाल तो थोड़ा सा निकल गया। ये बिल्कुल सिंपल है, बस मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी एंड दैट्स इट। मेरे को ना एक हफ्ता हो गया अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, रात हो रही है करीब 9:30 बज रहे हैं और मुझे लानी है ब्रेड क्योंकि आज रॉक्सी ने ब्रेड खाई है। तो अभी भी मैंने उसको रोटी दी, उसने रोटी नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो ब्रेड लेके आए इनके लिए, कभी ब्रेड ही खा लें, बड़े नखरे हैं इसके। जा रहे हैं और आज फिर सब कुछ बन रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं वहीं सब बन मिलता है हमें। आज का व्लॉग बस मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। एंड मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपका क्या जाता है करने में, मेरा एक सब और लाइक बढ़ जाता है।